हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से। टुडे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड। इसी स्टॉक में देखें तो आज के दिन 10 पैसे की तेजी देखने को मिल रही है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आएंगे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर टेक्निकल चार्ट पर देखें तो पीछे के 1 हफ्ते में इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 5% की गिरावट देखने को मिली है और 1 महीने में से स्टॉक में 5.5% से भी ऊपर की गिरावट देखने को मिल रही है। लगातार देखें तो इस स्टॉक में एक ऊपरी लेवल पर दबाव देखने को मिलेगा, जहां पर इस स्टॉक का एक हाई बनता हुआ नजर आया अराउंड 70 रुपए। 70 रुपए के इस स्टॉक ने एक हाई लगाया। ऊपरी लेवल पर इस स्टॉक में एक दबाव देखने को मिल रहेगा, जहां पर देखें तो पीछे के 4 से 5 दिनों में इस स्टॉक में एक बिकवाली होती हुई नजर आ रही है और इस स्टॉक में 16 मार्च को एक डोजी स्टार बुलिश कैंडल बनती हुई नजर आई, जहां पर इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर दबाव देखने को मिल रहेगा। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो एक स्टॉप लॉस के साथ ही स्टॉक को ट्रेड करें, वहां पर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। कब अराउंड 45 रुपए 80 पैसे के एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट 47 रुपए तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। और अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हैं तो अराउंड 42 रुपए के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म 62 रुपए तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, इसलिए कि स्टॉप लॉस के साथ ही स्टॉक को ट्रेड करें, वहां पर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।